guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel, Modern Trading. Guys, you know, कल की वीडियो में मैं बात की थी ओटीसी के मार्केट के बारे में. ओटीसी का मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, ओटीसी के मार्केट पर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ओटीसी के मार्केट पर हम किस तरह से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ओटीसी के मार्केट पर हम एक्चुअल में लॉस क्यों कर देते हैं, ओटीसी के मार्केट में हमारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई क्यों नहीं होते हैं, ओटीसी के मार्केट पर ट्रेड करने का सही तरीका क्या होता है, सारी चीज़ों को हमने लेकर के बात की थी. एंड गाइज, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी को उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर आप सभी को ट्रेड करना दिखाया है और सिखाया है. ओके, सो आज की इस वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि हर करेंसीज पर वर्क करता है, हर मार्केट्स में वर्क करता है, हर चार्ट्स पर अप्लाई हो सकता है, एंड चाहे वो ओटीसी का मार्केट हो या फिर कोई भी करेंसी, हर जगह वर्कफुल और यूजफुल हो सकता है. ओके, सो मैं बात करने वाली हूँ विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर के बारे में. ओके, सो ये विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर बहुत अच्छा है गाइस, बहुत यूजफुल है, बहुत वर्कफुल है, एंड गाइस बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी देता है. एंड इसकी अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो गाइस ये हमें एक्यूरेसी इसका 70 to 80% देखने को मिल सकता है. ओके, सो ये गाइस होता क्या है एंड मार्केट चार्ट्स पर हम इसको अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं और अप्लाई करके कैसे हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. सो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूं, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लिंक पर जाइए, मॉडर्न ट्रेडिंग को ज्वाइन कीजिए. वहां आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री श्योर शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ, जहां आप सब अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ट्रस्ट ना हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. एंड गाइस, अगर आप सभी ने अभी तक Qtax पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, Qtax पर अकाउंट बनाइए, एंड वहां से आप हमारे द रिलायबल VIP ग्रुप में भी एंट्री ले सकते हैं, जहां आप सभी को मोर ट्रेड प्रोवाइड की जाती है अच्छी एक्यूरेसी के साथ, जिनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. अगर लॉस हुआ पड़ा है तो वो भी आप लॉस अपना कवर अप कर सकते हैं. ओके, सो आज के इस वीडियो में हम विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, इसके प्रॉफिट रेटिंग के पॉइंट कवर अप कर सकते हैं. सो वीडियो शुरू करते हैं, विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर को समझते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने Qtax के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को अबव 12,300 डॉलर का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं. सो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं. फर्स्टली तो हम यहाँ पर टूल बॉक्स में गए, देन इसको हम यहाँ नीचे विलियम्स परसेंट आर को हमने अप्लाई कर लिया है. देन इसमें हम अपनी मेन लाइन है उसको हम येलो ड्रॉ कर लेंगे. ओके, देन अपर वाली जो लाइन रहेगी वो हमारी रेड लाइन रहेगी. ओके, डाउन लाइन ग्रीन. ओके, और वैल्यू यहाँ पर हम कर लेंगे 16. ओके, देन आप सब देख सकते हैं कि ये कुछ हमारी ये अप्लाई हो चुकी है. ये आप देख रहे हैं विलियम्स इंडिकेटर्स को, हम थोड़ा सा ऐसे मैं ऐसे कर दूँ आपको समझाने के लिए. सो गाइस, ये हमारा विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर है. ओके, सो हम फर्स्टली इसके बारे में समझे तो गाइज, आप देख रहे हैं विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर, इसकी जो अपर लाइन है हमने रेड कलर की ली थी, ये रेड कलर की अपर लाइन रह गई है जो कि हमें अपर पीक पॉइंट इंडिकेट करती है कि हमारी जो लाइन है वो अपर ट्रेंड से कितना दूर है, ये कितना क्लोज होने वाली है. ये डाउन ट्रेंड की लाइन है गाइज. ओके, सो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो मार्केट चल रहा है, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आप देख रहे हैं. ओके, देन यहाँ पर ये जो लाइन चल रही है ये हमारी एग्जैक्ट ये कैंडल वाला पॉइंट है जो कि हमारे यहाँ पर मार्केट शेयर का आप देख रहे हैं कि ये जो रेट बताता है करेंसी रेट. ओके, ये करेंसी रेट हमारी एग्जैक्ट ये लाइन होती है. तो अभी जहाँ पर ये लाइन चल रही है
ये वाले आप जो ये पॉइंट देख सकते हैं, ये जो पॉइंट चल रहा है ये एग्जैक्ट यही पॉइंट है जो यहाँ पर सेकंड्स चल रहे हैं और ये कैंडल चल रही है। ओके सो अभी ये आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड को मार्केट चल रहा है और यही येलो लाइन मतलब मेन मार्केट की लाइन ये वाली है, आप देख रहे हैं ये कैंडल का पॉइंट। अगर ये पॉइंट हमारा डाउन ट्रेंड पर टच करता हुआ और डाउन जाता है तो मतलब यहाँ पर ये चीज़ें हमें समझने वाली हो जाती है गाइज कि ऑब्वियसली हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन की ओर टच कर रहा है और यहाँ पर हमें ये शो कर रहा है कि हमारा ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। ओके सो डाउन को चल रहा है, डाउन टच कर लिया मतलब यहाँ से भी मार्केट कुछ देर के लिए डाउनवर्ड जाएगा। ओके देन थोड़ा सा हो सकता है रिवर्स ले, देन अगेन यहाँ पर डाउनवर्ड जाएगा। ओके देन अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि मार्केट इससे ज़्यादा डाउन नहीं जा सकता। अभी ऑब्वियसली मार्केट भाई चार्ट से बाहर तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली यहाँ तक डाउन आ गया मतलब बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है। अब यहाँ से ऑब्वियसली ये मार्केट रिवर्स मारेगा। ओके सो यहाँ से ये मार्केट रिवर्स लेगा, देन इस लाइन को टच करते हुए जैसे ही इसको क्रॉस करेगा यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ये ट्रेंड चेंज होके अपर ट्रेंड चलने लगेगा यहाँ से। ओके सो यहाँ से ही रिवर्स लेगा, यहाँ से वी शेप बनाते हुए मार्केट अपर की ओर जाएगा। ओके इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए। देन गाइज अगर इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यही लाइन अगर यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर मतलब अभी बीच में चल रही है, मतलब अभी हमारा मार्केट बीच में है ना, मतलब ना अपर है ना डाउनवर्ड है, अभी हमारा मार्केट मिडिल पॉइंट पर चल रहा है, मिडिल लाइन पर। ओके सो ये हमारी कुछ मिडिल लाइन हो सकती है, आप समझ सकते हैं इन दोनों के लाइंस के बीच बीच का जो मिड पॉइंट होता है ये मिडिल पॉइंट होता है। ओके मिडिल लाइन वाला। ओके सो अभी एक कैंडल यहाँ से वी शेप बनाते हुए अपोर्ट की ओर जाएगी, देन आप देख रहे हैं कि अपोर्ट की ओर जाने लगी है, ट्रेंड रिवर्स होने लगा है, वी शेप बनाने लगा है और यहीं से ये ब्रेकआउट करते हुए अपोर्ट जाएगा। देन यहाँ पर जैसे ही मार्केट पहुँचता है मतलब हमारा ऑब्वियसली डाउन टच कर चुका है, ऑब्वियसली यहाँ से अपोर्ट की ओर जाएगा, अपोर्ट मतलब यहाँ पर आसपास आएगा मार्केट। ओके सो इसी ट्रेंड को समझते हैं हम, यहाँ पर अपोर्ट के ट्रेंड में जब अपोर्ट की ट्रेंड प्रेस करेंगे तो हमें गाइज विनिंग देखने को मिलेगी। ओके सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कुछ इस तरह से मार्केट चल रही है, ग्रीन कैंडल के बाद अगेन रेड कैंडल बन चुकी है, आप देख रहे हैं। ओके देन इसके बाद जो हमारा मार्केट साइड की लाइन रहेगी, ओके जब इसको यहाँ पर रेड लाइन के ऊपर क्रॉस करती हुई निकल जाती है, ब्रेकआउट करते हुए ऊपर निकल जाती है, मतलब यहाँ से कुछ देर के लिए मार्केट अपोर्ट चलेगा। देन यहाँ पर कुछ इसकी तरह जैसे ही अपर पीक पॉइंट को टच कर लेती है, हाईएस्ट इतना मार्केट अपोर्ट चला जाता है, मतलब जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है मार्केट फिर अगेन ये रिवर्स मारते हुए डाउनवर्ड वी शेप की बनाते हुए वापस लौटेगा। ओके डाउन ट्रेंड की ओर। सो यहाँ से हमें गाइज अपोर्ट के पीक पॉइंट और डाउनवर्ड के पीक पॉइंट से मार्केट का अंदाज़ा ये लगता है कि मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है और मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जा सकता है। सो गाइज होप सो आप सभी को विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर समझ में आ रहा होगा और देखने से ही आपको गाइज ये समझ में आ जाता है कि हमारा मार्केट अभी किस डायरेक्शन में चल सकता है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। ओके सो अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट हमारा यहाँ से कंटिन्यू थोड़ी देर के लिए ऊपर चढ़ा, देन यहाँ से अब डाउनवर्ड आने लगा है। ओके सो हम इस पर ट्रेड करके देखेंगे गाइज। ओके हम इसी इंडिकेटर को अप्लाई करते हुए जो है यहाँ पर, और गाइज ये जो विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर है ये चाहे ओटीसी करेंसी हो या फिर नॉर्मल करेंसी हो, EUR, USD, AUD, USD, AUD, CAD, जो भी इतनी सारी करेंसी होती है ये हर मार्केट चार्ट पर अप्लाई हो सकता है और यहाँ पर आउट ऑफ रूल्स इंडिकेटर नहीं बोलेंगे गाइज, क्योंकि ये इसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ओके कैंडल स्टिक पैटर्न के वो यहाँ इस करेंसी पर अप्लाई होते हुए आपको नजर आएंगे। ओके सो हम आपको यहाँ पर ट्रेड करके दिखाएंगे। ओके 3 सेकेंड्स हैं, देन यहाँ से हमें लगता है ट्रेंड अपर जाएगा। सो मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड अपोर्ट की ओर प्रेस कर दी हैं। ओके देन देखेंगे कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके $100 की मैंने 3 ट्रेड प्रेस की हैं, $300 इन्वेस्ट किए हैं ये सोचते हुए कि यहाँ से मार्केट हमारा अपोर्ट की ओर जाएगा। ओके देन अभी मार्केट आप देख रहे हैं कि यहाँ से पिछले 5 मिनट से मार्केट साइडवेज चल रहा है, देन यहाँ पर मार्केट कुछ वोलेटाइल कह सकते हैं, क्योंकि जब रेड और ग्रीन जब कंटिन्यू उस तरह की कैंडल आपको देखने को मिलने लगे वहाँ पर हमें ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट हमारा वोलेटाइल हो रहा है। ओके सो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि ट्रेड हमारी विनिंग में चल रही है, देन अगेन क्लोज पॉइंट पर आ चुकी है और क्लोज पॉइंट पर आने का मतलब है गाइस कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कैंडल का रिजल्ट क्या होगा, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। जो हमने $300 इन्वेस्ट किए हैं ये प्रॉफिट मिलेगा और लॉस ये हमें 10 सेकंड में पता चल जाएगा गाइस। सो डाउनवर्ड जा रहा है मार्केट अभी, देन अगेन क्लोज पॉइंट पर आ गया है, देन अगेन 4 सेकंड, देन कुछ हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। सो गाइस ये ट्रेड हमारी लॉस हुई है बहुत ही क्लोज पॉइंट पर। ओके सो हम यहाँ पर कुछ दूसरी करेंसी पर ये अप्लाई करेंगे गाइस, सारी की सारी ओटीसी करेंसी आज ऊपर हैं यहाँ पर देख रहे हैं
और मैं जिस टाइम ट्रेड कर रही हूँ गाइस, आप सब देख सकते हैं कि अभी कुछ रात का जो है 1:45 बज रहा है, पौन बज रहा है, मतलब यू नो 12:45 हो रहे हैं। सो मैं आप सभी को यहाँ पर दूसरी करेंसी अप्लाई कर लेती हूँ, AUD CHF करेंसी। देन इसके अलावा यहाँ पर करेंसी दे रखी है USCHF करेंसी, देन यहाँ पर USDCHF करेंसी। प्रॉफिट रेट समय ओटीसी के मार्केट पर 92% दे रखा है। USD INR करेंसी, ओके, देन इतनी सारी करेंसी यहाँ दे रखी है। तो गाइज अगर यहाँ पर इस कैंडलस्टिक चार्ट में आपको सभी को दिखाऊं, तो आप सब देख रहे हैं कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है विलियम्स कि हमें बहुत ज़्यादा मार्केट अपॉर्ट की ओर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से मार्केट हमारा रिवर्स लेगा, यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, ओके, देन यहाँ से चेंज होते हुए कुछ ये डाउनवर्ड की ओर जाएगा, ओके, ऑलरेडी क्योंकि बहुत ज़्यादा अपोर्ट जा चुका है, ओके। सो हम इसी मार्केट चार्ट पर गाइज ट्रेड करते हैं, यहाँ तक इस पर बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, मार्केट यहाँ पर बहुत स्टेबल मार्केट है, ओके। सो हम यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट जो है डबल करेंगे, इनफैक्ट ट्रिपल करेंगे, क्योंकि हमारे $300 लॉस में हुए थे, ओके। सो हम नेक्स्ट कैंडल पर 25 सेकेंड्स के बाद हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करेंगे, ओके। 15 सेकेंड्स हैं, हालांकि ये चार्ट भी ठीक नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत कम बॉडी वाली यहाँ पर कैंडल स्टिक्स आप देखने को मिल रही हैं। सो हम यहाँ पर डाउनवर्ड 2 ट्रेड प्रेस कर रहे हैं गाइज, देखते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि यहाँ से ट्रेंड हमारा रिवर्स जाना चाहिए, देन हमें यही सोचते हुए हमने यहाँ पे जो है $300 की 4 ट्रेड प्रेस की है। $300 हमारे ऑलरेडी पहले लॉस हो चुके हैं, देन अगर हम ये ट्रेड विन करते हैं, देन हमारी एक पिछले $300 इन्वेस्ट जो हमने किए थे लॉस हुए थे वो हमारे रिकवर होते हुए हम यहाँ पर अबव $900 प्रॉफिट में हो जाएंगे, ओके। सो अभी हमारे पास अबव गाइस ये पीक पॉइंट है गाइस, ओके। देन हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपने डबल करेंगे, बढ़ाऊंगी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, $500 करूंगी, ओके। देन ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, ओके। ये मैंने इसलिए क्योंकि इससे पहले हमारा जो हैमर ग्रीन हैमर देखने को मिला था उसको देखते हुए हमने गाइज यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट अपना ट्रेड प्रेस की थी। हम यहाँ पर $500 इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर, देन चार्ट हम कोई करेंसी और ओपन कर लेते हैं, यही ओपन करते हैं गाइज, ओके। सो मुझे लगता है यहाँ पर ये जो विलियम्स एम इंडिकेटर दिखा रहा है, विलियम्स आर इंडिकेटर शो कर रहा है कि हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड आ चुका है, आप देख रहे हैं, ओके। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कैंडल पर मार्केट यहाँ से रिवर्स वी शेप बनाते हुए रिवर्स मारेगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड से मार्केट अपोर्ट की ओर जाएगा वी शेप बनाते हुए, ओके। सो हम यहाँ पर विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर का यूज़ करते हुए नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड प्रेस जो करेंगे वो हम यहाँ पर अपोर्ट के लिए प्रेस करेंगे, ओके। सो हम अभी अबव 8 सेकेंड्स का वेट करेंगे, देन 8 सेकेंड्स के बाद हम अपनी ट्रेड प्रेस करेंगे, अभी कर देते हैं, ओके। देन मैंने यहाँ पर $2,000 मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं अपॉर्ट की ओर, एंड देखते हैं कि यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है इस ट्रेड का रिजल्ट, ओके। देन अभी हमारे पास अबव 50 सेकेंड्स हैं, 50 सेकेंड्स में हमें देखते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो है अपॉर्ट की ओर मैंने $2,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं गाइस, ओके। अब 30 सेकेंड्स है हमारे पास, 30 सेकेंड्स के बाद हमें अपने ट्रेड का जो है रिजल्ट पता चल जाएगा, ओके। हमारी ट्रेड अभी विनिंग में आ चुकी है, देन क्लोज पॉइंट पर, देन अगेन विनिंग में, देन ये ट्रेड गाइस हमारी बहुत ही क्लोज पॉइंट पर, हाँ ये ट्रेड हमारी बहुत क्लोज पॉइंट पर विन हुई है गाइज, आप देख सकते हैं कि हमें कंटिन्यू यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, ओके। सो हालांकि बहुत कम बॉडी पार्ट की कैंडल में गाइज रिस्क होता है, ओके। सो हम यहाँ पर अगेन चेंज करेंगे कोई ठीक ठाक चार्ट मिला इस पर हम करते हैं ट्रेड, ओके। देन यहाँ पर ये हमें विलियम्स परसेंट इंडिकेटर आर जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट हमारा अभी अपॉर्ट की हो जाएगा। सो हम यहाँ पर 35 सेकंड्स के बाद अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और ट्रेड करेंगे, बड़ा रिस्क लेने वाली हूँ गाइज,
तो होप्स आप सभी को विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर समझ में आ रहा होगा कि हमें इसके ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसमें चलना है. ओके तो अभी मतलब अबाउट क्यों चल रहा है. हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेंड पर जब हमारी छोटी मोटी कैंडल्स अप्लाई नहीं होती हैं, ट्रेंड फॉलो नहीं करती हैं, मार्केट आउट ऑफ ट्रेंड चला जाता है, तब वहाँ पर हमें इस इंडिकेटर से कभी कभी लॉस देखने को मिलता है. हालांकि हमें मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही देखने को मिलता है. देन यहाँ पर हम अगेन अपॉर्ट की ओर, दो मैंने अगेन $2,000 मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं. ओके वेट करेंगे. मुझे लगता है कि यहाँ पर ये रेड लाइन को टच करते हुए ओवरटेक करेगा, यहाँ पे ये कट ऑफ करेगा. देन उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं. हालांकि ट्रेड हमारी बहुत ही क्लोज पॉइंट पर डोल रही है, अब देख रहे हैं. देन देखते हैं यहाँ से ट्रेंड हमारा रिवर्स लेगा या फिर अपवर्ड की ओर लेगा. ओके देन 30 सेकेंड्स है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. ये नहीं कह सकते कि हमारी ट्रेड लॉस में है, क्योंकि यू नो ओटीसी का मार्केट तो किधर भी किसी भी सेकंड पे किधर भी जा सकता है. अभी हमारे पास 20 सेकेंड्स है, बहुत ही क्लोज पॉइंट पर हमारी ट्रेड डोल रही है. हमें फिलहाल अभी अभी अपनी ट्रेड प्रॉफिट में देखने को मिल रही है. अभी हमारे पास है वो 15 सेकेंड्स हैं. 15 सेकेंड्स के बाद हमें अपनी ट्रेड का रिजल्ट देखने को मिलेगा. देन आप देख रहे हैं गाइस किस तरह से मार्केट वोलेटाइल हो रहा है. देन अगेन बहुत ही क्लोज पॉइंट पर देखने को मिल रही है. अगेन ये ट्रेड हमें फिलहाल प्रॉफिट में गाइस मुझे लगता है एक प्रॉफिट में है, एक लॉस में, नहीं दोनों प्रॉफिट में है. तो गाइस लास्ट के कुछ सेकंड्स में, एक सेकंड में ये हमें ट्रेड दोनों विनिंग देखने को मिल रही है. आप देख रहे हैं इंडिकेटर को फॉलो करते हुए जैसे ही हमने यहाँ पर इसको अप्लाई किया है, देन यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला है. कंटिन्यू $500 के हमने जो इन्वेस्ट किए हुए थे वो भी हमें प्रॉफिट देखने को मिले. $1,000 में जो इन्वेस्ट किए थे वो भी हमें प्रॉफिट देखने को मिले. ओके देन यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पर जो है ट्रेड जो बनेगी वो हमारी डाउनवर्ड के लिए जाएगा. ओके सो हम 25 सेकंड्स का वेट करेंगे. एंड गाइस 25 सेकंड्स का वेट करते हुए लास्ट के कुछ सेकंड्स में हम जो है ट्रेड प्रेस करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे. इस कैंडल के पूरे बनने तक हमें वेट करना है गाइस. ये देखते हैं कि कैंडल हमारी कौन सी शेप लेती है. ओके देन अभी यहाँ पर फिलहाल हमें हैंगिंग मैन बनते हुए दिखाई दे रहा है, और हैंगिंग मैन बनने का मतलब है कि यहाँ से हमारा ट्रेंड डाउनवर्ड जाएगा. सो मैंने यहाँ पर ओके मैंने फिलहाल रिस्क लेते हुए $4,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं डाउनवर्ड की ओर. ओके ये सोचते हुए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपवर्ड मार्केट जा चुका है. वही चीज़ मैंने जो आपको बता चुकी हूँ कि अगर हाई पीक टच कर चुका है इसका मतलब है कि हमारा मार्केट डाउनवर्ड जाएगा, अब यहाँ से रिवर्स ट्रेंड करेगा. ओके तो ट्रेंड का रिवर्स होना यहाँ पर गाइस श्योर है. हो सकता है इस कैंडल में तो नेक्स्ट कैंडल में श्योर हमारा डाउनवर्ड मार्केट जाएगा. फिलहाल अभी हमारे पास 30 सेकंड्स हैं, और 30 सेकंड्स हैं ओटीसी का मार्केट है, तो कुछ कह नहीं सकते कि अभी भी हमारा मार्केट या ट्रेड हमारे लॉस में हो सकती है. तो हम वेट करेंगे 20 सेकंड्स तक. 20 सेकंड्स में हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है वेट करेंगे. देन यहाँ पर अपोर्ट के लिए गया है. सो हम नेक्स्ट कैंडल पे डाउनवर्ड प्रेस करेंगे डाउनवर्ड की ओर. देन डबल अमाउंट, इनफैक्ट होल अमाउंट. ठीक है, मैं बड़ा रिस्क लेने जा रही हूँ गाइज आप सभी के लिए. सो यहाँ पर मैंने सारा अमाउंट प्रेस कर दिया है. ओके डाउनवर्ड की ओर. देन देखते हैं गाइस कि हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. मैंने कहा था अभी वैसे डेफिनेटली रिवर्स मारना जरूरी है. ओके रिवर्स मारेगा, इस कैंडल पर नहीं लगेगा तो फिर नेक्स्ट कैंडल पर. ओके देन वेट करेंगे. मैंने यहाँ पर $12,000 इन्वेस्ट कर दिया है गाइस. देन क्लोज पॉइंट पर फिर जा रही है मुझे लग रहा है, लेकिन ये ट्रेड फिलहाल हमारी श्योर शॉट विन होनी चाहिए. ओके $12,000 मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे हैं, यू नो अब 9.5 लाख रुपए. सो वेट करेंगे गाइस. अगेन मार्केट वही जो है वोलेटाइल हो रहा है, बहुत क्लोज पॉइंट पर अगेन जा चुकी है. देन अगेन यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है. सो वेट करेंगे गाइस. 12 सेकेंड्स है अभी हमारे पास. Then guys, ये ट्रेड हमारी विनिंग हो चुकी है फिलहाल, लेकिन यू नो बहुत तगड़ा रिस्क लिया एंड गाइज विन हुई है. ओके देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इसके फ्लैग फ्लो को समझ रहे हो तो गाइज मैंने यहाँ पर बोला था अपने हाई पीक पॉइंट को टच करती
कर चुकी है, मतलब यहाँ से डेफिनेटली मार्केट रिवर्स मारेगा और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अब वी की शेप बनाते हुए, यहाँ से एम शेप बनाते हुए डाउनवर्ड जाएगा। ओके अगर चार्ट्स पैटर्न्स को आपने समझा होगा, इस पहले मैं समझा चुकी हूँ कि यहाँ पर एम पैटर्न्स वाले, तो यहाँ पर कुछ हमारा एम पैटर्न यहाँ पर रिपीट होगा। ओके एम पैटर्न हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, तो ये कुछ इस तरह से एम पैटर्न बनेगा, मार्केट यहाँ पर आएगा। ओके देन यहाँ पर मार्केट ये कुछ ग्रीन लाइन को टच करेगा। ओके सो इस तरह से कुछ ये विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर वर्क करता है। सो होप्स आप सभी को यहाँ पर ट्रेंड समझना और इंडिकेटर्स समझ में अच्छे से आ गया होगा। एंड ये आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से डाउनवर्ड यहाँ पर गया है। मैंने यहाँ पर बोला था ना यहाँ से ट्रेंड रिवर्स मारेगा, देन कितने अच्छे से रिवर्स मारा है, यहाँ पर ट्रेंड डाउनवर्ड गया और कितनी अच्छी कैंडल बन के आई है आप देख रहे हैं। ओके देन अगर यहाँ पर भी आप डाउनवर्ड प्रेस करते तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी विनिंग आपकी जाती है, सुपर विन होती है। ओके सो गाइज होप्स आप सभी को विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर अच्छे समझ में आया होगा और प्रॉफिट जो हमने बुक किया है वो भी आप सभी को मैं शो करा दूँ कि अच्छा खासा हमने प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक कर लिया है। ओके देन देख रहे हैं कि हमने कंटिन्यू विनिंग की है। ओके तो गाइज आप सभी ने देखा किस तरह से हम मार्केट चार्ट्स में विलियम्स एस इंडिकेटर को हम अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको अप्लाई करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है और कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, सारे चीजों को हमने कवर अप किया था। होप्स आप सभी को ये नॉलेज पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस नॉलेज को, इस स्ट्रेटजी को, इस इंडिकेटर को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए जिससे ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। एंड गाइस इस चैनल को मॉडर्न ट्रेडिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड गाइस अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर कीजिएगा जो कि हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट स्ट्रेटजी एंड फंडामेंटल्स के साथ। ओके तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।